विचार ऐसे आया, सबसे पहले ना मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था और वो डोंकी रूट पे काम कर रहा था, कैसे मेक्सिको ग्वाटेमाला पनामा से लोग जाते हैं, और मैं ना बीच बीच में आर्टिकल पढ़ता था और बहुत डिस्टर्बिंग होते थे, जैसे आजकल भी हुआ था। हमने उस टॉपिक को प्रमोशन में नहीं छेड़ा बिकॉज वो एथिकली सही नहीं होता है, लेकिन मैं जब उसको पढ़ता था तो मेरे को बड़ा डिस्टर्बिंग लगता था और मेरे को लग रहा था कि यार इस चीज के बारे में बोलना चाहिए और कुछ पॉजिटिवली बोलना चाहिए, हल्के तरीके से बोलना चाहिए ताकि एक अच्छा मैसेज जाए, क्योंकि सिर्फ फिल्म दिखाना समाधान प्रॉब्लम दिखाना समाधान नहीं है, समाधान है कि उसके बारे में बताना है चीजें रिजॉल्व कैसे होती है। तो लगा कि हाँ अगर ये रूट है तो हम मैसेज कैसे दें, और ऐसी बात थी कि बाहर जाने के बारे में फिल्में बनती है लेकिन इस समस्या के बारे में कभी फिल्में नहीं बनी, तो हमको लगा कि चलो इस चीज के बारे में फिल्म बनाई जाए। तो एक्चुअली ओरिजिनल फिल्म में भी इस रूट के बारे में ज्यादा बताया नहीं गया है, लेकिन हमको लगा कि नहीं, मोटो वो है कि गांव से एक लड़का जाता है और उनके एक्सपीरियंस कैसे होते हैं, अहमदाबाद में क्या एक्सपीरियंस होता है और जो गलत तरीके से जाके वापिस आए उसका क्या एक्सपीरियंस। मूवी में अगर सीधे तरीके से दो तीन लाइन में बोला जाए तो ये बोला जाएगा कि अगर आपको कमाना है और आपको बाहर जाना है तो जाइए, लेकिन अच्छे तरीके से जाइए, सही तरीके से जाइए, गलत तरीके से मत जाइए, क्योंकि फिल्म में दो कैरेक्टर हैं जिन पे बहुत सारा कर्जा है, देवू है बहुत सारा, और उनको देवू उतारना है इसलिए वो बाहर जा रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर को बाद में रियलाइज होता है कि अगर गलत तरीके से जाते हैं, कुछ गलत होता है तो पैसा तो वापस तब भी नहीं दे पाएंगे, फिर सही तरीके से जाएं। तो उस बारे में कि यात्रा आपकी शुभ होनी चाहिए, लाभ आपका शुभ होना चाहिए।